एक मुख्यालय है भारतीय ट्राइबल पार्टी का, और भारतीय ट्राइबल पार्टी के संस्थापक और आदिवासी समाज के महान नेता जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में एससी एसटी ओबीसी समाज को राजनीतिक धरातल पर इकट्ठा लाने की भरजोर कोशिश की है और इस देश में इस समाज की सत्ता हो, इसलिए उन्होंने मांग भी की है कि पूरे भारतवर्ष में जो लोकसभा हो, राज्यसभा हो या विधानसभा हो, विधान परिषद हो, पार्षद और सांसद, ये सभी 85% समाज के लिए रिजर्व किया जाए और सही मायने में भारत में सत्ता लाई जाए। तो इसी बात को लेकर हम उनसे चर्चा करते हैं। माननीय छोटू भाई वसाद, आपका सबसे पहले थीवेज मीडिया में स्वागत है। जोहार। जय जोहार। जय साहब, आपने सबसे पहले एक अहम बात उठाई है कि इस देश में जो सत्ता चल रही है वो न आदिवासी के हित में है, न दलितों के हित में, न ओबीसी के हित में, तो इसलिए इस समाज के लिए पूरी तरह से सांसद रिजर्वेशन बना दिया जाए और इस समाज की सत्ता लाई जाए। कैसे आपने ये बात उठाई सबसे पहले, क्या कहोगे आप? होना चाहिए ना, लोकशाही आई है देश में, अंग्रेज चले गए 1947 में, जब से वो देश में 1952 में जो सरकार बनी पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो इसमें हमारे लोग कहाँ थे? आदिवासी लोग, ऐसी लोग, वो ओबीसी लोग, माइनॉरिटी वाले कहाँ थे? आज भी नहीं है ना, इसलिए मैं बोलता हूँ कि उसको शासन व्यवस्था में लाओ, उसके लिए पार्लियामेंट और विधानसभा, जहाँ जहाँ जो ग्रुप है देश का आवाज़ करने का, वहाँ सब रिजर्व कर दो, आदिवासियों के लिए, एससी के लिए, ओबीसी के लिए, माइनॉरिटी के लिए, तो कल उसका जीवन बन जाएगा। इसमें तो शासन में हमारे लोगों को ले जाने की कोई तस्दी लेते नहीं है, वो साइड करते हैं, क्योंकि पूरा देश हमारा है। इस देश में हमारा शासन हो जाएगा तो हमारी जो हालत है अभी चल रही है आज़ादी में, वो नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे लोग जब तक शासन में, शासन व्यवस्था में नहीं आएंगे, तब तक उसका कुछ होने वाला नहीं। इसलिए मैं डिमांड करता हूँ, वो पार्लियामेंट है, राज्यसभा है, वो विधानसभा है, विधान परिषद है, सबको रिजर्वेशन हमारे लिए, वो जो मैंने बताया हमारी कम्युनिटी के लिए और ओबीसी के लिए, एससी के लिए, माइनॉरिटी के लिए रिजर्व करना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही सर साहब आपने। सब मैं आपको एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि हमारा आदिवासी समाज और दलित समाज, इनके लिए रिजर्व सीट है, लेकिन आप जो स्वतंत्र होकर एक आवाज उठा रहे हैं, वो कभी इस रिजर्व सीट से गए हुए लोग कभी संसद में, कभी विधानसभा में आवाज नहीं उठाते, तो क्या इसकी वजह क्या आपको लगती है, क्यों नहीं आवाज उठा पाते? तो जो सरकार, जो पार्टी बनाया है, कांग्रेस पार्टी बनाया है, बीजेपी बनी है 1980 में बनी, तो कांग्रेस निष्फल होने लगी, तो उन लोग ब्राह्मणों ने देखा कि भाई अभी तक यहाँ के लोगों के हाथ में पावर चला जाएगा, तो उसका गठन कर दिया 1980 में, तो सब कांग्रेस से नाराज होने लगते थे लोग, इसमें चले गए, तो उसकी तो साजिश है ना, हमारे पास सत्ता नहीं आने देने की बड़ी साजिश है। अभी देखो ना, दोनों पार्टी खत्म हो गई, कांग्रेस बीजेपी, तो आ गया वो आप पार्टी वाला, सब निकल रहा है, वो भी उसका ही है ना, भारत माता की जय बोलने वाला अभी आ गया इधर। तो ग्रामीण लोगों ने देखा कि भाई वो वहाँ के लोग शासन में आ जाएगा, उसके अलावा तो भेजो उसको, अरविंद केजरीवाल को, जिन्होंने वहाँ जम्मू कश्मीर में 370 कलम रद्द कर दिया, तो सपोर्ट कर दिया अमित शाह को, वहाँ तो लद्दाख में हमारे लोग भी थे ना, उसको भी तो उसका फायदा होने वाला था, फायदा हो रहा था, उसका भी ख़त्म कर दिया। वो आकर क्या करेगा, पावर में आएगा तो यहाँ भी वही करने वाला है जहाँ किया वो, तो ऐसी पार्टी को हम वोट कैसे देंगे?
हमारा ही बनना चाहिए ना, आदिवासियों का ही बनना चाहिए, एससी का बनना चाहिए, ओबीसी का बनना चाहिए, माइनॉरिटी का बनना, जो समाज अभी तक पिछड़ गया है उसका ही शासन होना चाहिए देश में, जब जाकर उसका कुछ बनेगा। साहब अभी जो है कि आपके मतदान संघ में जिस तरह से विकास आपने करके रखा है, उस तरह हमारे आदिवासी समाज, दलित समाज के जो रिजर्व सीट से जो लोग जाते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस तरह का विकास नहीं दिखाई देता। इतना बजट होने के बावजूद ये विकास दृश्य स्वरूप में क्यों नहीं? अभी तक तो बजट की बात कहाँ हुई है, बजट कार्ड देना चाहिए ना लोगों को। जब से वो आबादी की गिनती होने लगी है तब से हमारा एससी एसटी का तो अलग डेटा बना है ना, इसलिए हमारा अलग बजट भी आता है, बताते नहीं है ना खा जाने के लिए। अगर वो बजट दे देते हमको, बजट कार्ड देता तो पता चल जाता हमारे माथे पे कितना डेवलपमेंट होने वाला है, कितना पैसा आता है, वो पता ही नहीं चलता है ना। देना चाहिए, नहीं देते हैं, हमारा बजट खा जाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं लोग। सब अभी हम देख रहे हैं कि हमारे जो युवा अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज देश में ऐसा माहौल कि हमारे युवाओं को किसी तरह की रोजगारी या नौकरियां नहीं मिलेगी ना, जब तक वो लोग पावर में है, विदेशी लोग हैं, इसका तो डीएनए भी बोलता है ना, विदेशी है हाँ, वो लोग पावर में रहेगा तब तक हमारे मूल देश के मालिक है उसको कैसे मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो ये मिलाने के लिए हमारे युवाओं ने और हमारे समाज ने क्या करना चाहिए साहब? वो जो पार्टी हमने बनाया है इसमें आ जाओ, वोट दो तो हमारा सब कुछ बन जाएगा, फैक्ट्री भी हमारा हो जाएगा, देश भी हमारा हो जाएगा, पहाड़ भी हमारा हो जाएगा, नदी हमारा हो जाएगा। वोट से तो बनता है देश, पावर तो पावर ले लो, हमारे पास तो है इतना पावर, इसलिए बोलता हूँ कि रिजर्वेशन कर दो पार्लियामेंट का, विधानसभा का, तो हमारा शासन बन जाएगा। षड्यंत्र क्यों करते हैं हमारे साथ, हमारी संपदा लूटने के लिए आए हैं ना। अभी चल रहा है खनन पूरे देश में, खनन करने का, वो कौन आए हैं, बनिया लोग आए हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री के मालिक बना दिए, पैसा हमारा है वर्ल्ड बैंक में, उसको लोन दिया जाता है, तो माफ भी किया जाता है उसका, वो कौन है, हम मालिक नहीं है क्या, हमको नहीं देना चाहिए। सब अभी भारत में पूर्वांचल के कुछ राज्य जो है और मध्य भारत में छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये राज्य हम अगर देखते तो आदिवासी राज्य करके इनको हम जानते हैं, लेकिन आपने जो मांग की है बलिस्तान की, तो पूरा आदिवासी प्रदेश जो आप एक ही राज्य चाहते हैं भारत में, तो ये किस तरह का ये राज्य रहेगा? तो हमारा तो आबादी है ना देश में, कितना राज्य में है, हम मूल भारत के मालिक है, उसको तो देना चाहिए ना, एक राज्य बनाना चाहिए ना, वही डिमांड है हमारी, कि दे दो हमारा अलग से, हम जी लेंगे, हमारे युवा को वो नौकरी भी दे देंगे, हमारे पास तो इतना खनन है कि किसी की जरूरत नहीं है ना, हम व्यापार करके जिंदा रहेंगे, दूसरे लोग घुस गए ना वो तो हमारे लिए सवाल है ना, चोरी करते हैं। सबसे ज्यादा देश में अगर हम देखते हैं तो आदिवासी समाज को सबसे ज्यादा विकास के नाम पे विस्थापित किया जा रहा है। अब गुजरात प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कि एक स्टैचू जो बना है उसकी वजह से आदिवासी समाज काफी हद तक विस्थापित हुआ है। तो इस संदर्भ में हमारे समाज ने क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए? हमारे जो नेता लोग है अभी खुद की जात को बता रहे हैं कि हम आदिवासियों का लीडर है, उन लोगों ने सोचना चाहिए कि भाई वो क्या कर रहे हैं हमारे साथ। अभी तक 4,700 डैम बड़े बनाए गए देश में, आदिवासी इलाके में बने हैं ना, 5 करोड़ की आबादी हमारी इसमें विस्थापन हो चुकी है, और दूसरे बच्चे हैं उसको विस्थापित करने के लिए वो टेची ऑफ यूनिटी सब बना रहे हैं, प्रोजेक्ट डाल रहे हैं, इसे तो हमारा जमीन चला जाएगा, बेकार हो जाएंगे, उसको तो बेकार करना है, सत्ता से बाहर करना है, देश से बाहर करना है हमको, वो बात तो नहीं चलेंगी, बोलना चाहिए हमारे लोग जो जाते हैं सांसद बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए,
जिला परिषद में जाते हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए, सोचना चाहिए ना समाज के लिए। समाज नहीं बचेगा तो आप लोग कहाँ जाएंगे, कोई आपको वोट देगा कोई दूसरा आदमी? इतना जातिवाद फैला दिया देश में ब्राह्मणों ने, तो बोलते हैं कि अभी नहीं चलेगा जातिवाद। अरे भाई, हमारे पुरखों ने तो नहीं बनाया है ना, आपके पुरखों ने बनाया है ना जातिवाद, हमारे सिर पे खिलाते हैं। साहब, हमने अभी देखा है कि महाराष्ट्र और गुजरात ये सीमा में जो खेत है हमारे समाज के, आदिवासी समाज के, वहां से लेकर कोई पाइपलाइन गुजर रही है, और जिस भी कंपनी की वो पाइपलाइन है उन्होंने यहाँ पे एक षड्यंत्र किया है कि हमारे किसानों के साथ बारह फिर उस कंपनियों का एक पाइपलाइन का सवाल नहीं, पूरे देश में जो RSS है, नरेंद्र मोदी, वो सब जो बाहर वाली फैक्ट्री है उसको लाने की कोशिश में है ना, वो जो कॉरिडोर बना रहे हैं उसके लिए है ना, चाइना में पड़े हैं उसकी फैक्ट्री 4000 बंद, वो सब यहाँ आने वाली है ना भारत में, और हमारा जंगल नदी नाला सब खत्म करने वाले हैं, उसके सामने लड़ना पड़ेगा लोगों को। नेता नहीं लड़ेगा तो लोगों को तैयार होना पड़ेगा ना, इसलिए मैं युवाओं को बोलता हूँ तैयार हो जाओ, नहीं तो 10 साल में खत्म कर देंगे वो लोग। हमारे युवा ये लड़ाई कैसे लड़े, किस तरह से लड़े, इस संदर्भ में आप क्या मानते हैं? अरे भाई, वो प्लेटफॉर्म तो बनाया है ना, आदिवासी सेना बनाया है, वो पार्टी बनाया है, फाउंडेशन तो बना दिया है, लड़ो उसको मजबूत करके। हथियार तो चाहिए लड़ने के लिए, वो तो बनाया है ना, वो हथियार तो हमारा नहीं है ना, बीजेपी कांग्रेस वाला, वो तो लूटने के लिए बनाया है ना उन लोगों ने, जिसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। इसलिए हमने सोचा कि भाई अभी कुछ करना पड़ेगा, हमारा फाउंडेशन बनाना पड़ेगा, तो बनाया। जुड़ो इसमें, लग जाओ, हमारा बन जाएगा। सब आपने पार्टी जो स्थापन की, भारतीय ट्राइबल पार्टी, ये शुरू से ही आपने मांग की है कि इस देश के संविधान में 5वीं और 6वीं जो अनुसूची है उसको लागू किया जाए। ये अनुसूची जो है ये हमको, हमारे आदिवासी समाज को किस तरह का हक देती है, इस संदर्भ में क्या कहो ना? 6th Schedule, 5th Schedule में तो सारा हक अधिकार है, 6 लागू कर देते हैं तो पैरेलल गवर्नमेंट बन जाती है ना हमारी, सब कुछ हमारे पास आ जाता है, बजट आ जाता है, पावर आ जाता है, भर्ती हम करते हैं, इतना बड़ा पावर दिया, इसलिए तो इम्प्लीमेंट नहीं करते पूरा भारतवर्ष में, करना चाहिए इम्प्लीमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय ट्राइबल पार्टी आने वाले समय में ये क्या करना चाहती है अपने पूरे देश में? बस हमारा राज हो और हमारा बजट हम हमारे लोगों के लिए खर्चा करेंगे, और जमीन है, नदी है, नाला है, उसका भी यूज हमारे लोग करें, ऐसा हम सोचते हैं। आखिर में आप हमारी जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? जल्दी तैयार हो जाना, उसके भरोसे मत रहना, बीजेपी कांग्रेस आप पार्टी वो हमारी है ही नहीं ना, भरोसा छोड़ दो, भरोसा इस पर लाओ, हमारी जो पार्टी बनी है, लोगों का जो काम करते हैं उस पर भरोसा करके आ जाओ, 5 साल तो देख लो, बाद में अच्छा नहीं लगे फिर चले जाने में इसमें क्या है, वही तो कर लो, एक दफे तो आ जाओ पावर में, वो करना चाहिए, और देश बनाना चाहिए, बचाना चाहिए। नरेंद्र मोदी देश को बेच रहा है, बड़ा षड्यंत्रकारी लोग है उसके पीछे, जो RSS वाले, वो बेचने में लग गए हैं ना, जब से वो प्राइम मिनिस्टर बना है तब से पूरी देश में घूमकर देश को बेचा गया है, ऐसा कौन दुनिया में प्राइम मिनिस्टर घूम के बेचता है देश को, उसके अलावा उसको शर्म आनी चाहिए। नरेंद्र मोदी कोरोना ला देते हैं, बिना कोरोना मार दिए गए लोग, 50 लाख लोग भारत में, आबादी कम करने के लिए बिठाया है उसको, सवारने के लिए तो नहीं बिठाया है, साबित कर दिया उन लोगों ने, कहीं सारे बातों करनी है लेकिन क्या कर रहे थे, थोड़ा तैयार हो जाने दो हमारे लोगों को, सब बन जाएगा।
ऐसे कचरा पार्टी वाले चले जाएंगे यहाँ से, वो कचरा ही है देश के लिए। साहब ने जो बात कही हमारे युवाओं को पूरे देश के, कि आपका वोट ही आपको इस देश का सत्ता और संपन्नता के कक्ष में ला सकता है, उसके सिवा आपका विकास नहीं हो सकता। और अगर आप आपका वोट अगर बेचते रहे किसी जातिवादी पार्टी को, किसी पूंजीपति पार्टी को अगर बेचते रहेंगे तो आपका विकास नहीं होगा। यह संदेश माननीय छोटू भाई वसावा जी ने अपने आज के इस वक्तव्य में कहा है कि पूरे भारतवर्ष के युवा और हमारे आदिवासी समाज, दलित, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक के समाज समझ ले, जान ले और इस पे अमल जरूर करे। इसी बात के साथ हम माननीय छोटू भाई वसावा जी का मनपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू।